लालकुआ गोला रोड पर रेलवे लाइन के ऊपर से प्रस्तावित ओवरब्रिज के प्रभावितों ने केंद्र राज्य मंत्री अजय भट्ट को ज्ञापन सौंपा। बता दें कि गोला रोड पर रेलवे क्रॉसिंग बंद रहने से आए दिन जाम की समस्या बनी रहती है, जिसमें निजात दिलाए जाने को लेकर निर्माण विभाग ने सेतु बंधन योजना के तहत रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर से ओवरब्रिज बनाए जाने का 69 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जाना है, जिसकी केंद्र सरकार से सैद्धांतिक सहमति मिलने के बाद व्यापारियों में हड़कंप मच गया। व्यापारियों ने केंद्र राज्य मंत्री अजय भट्ट से मुलाकात करते हुए ओवरब्रिज के प्रस्ताव को निरस्त करते हुए दूसरे पर्याप्त स्थान से ओवरब्रिज को शिफ्ट कराया है। वहीं लोकसभा सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने व्यापारियों को आश्वासन देते हुए कहा कि लोगों की जनभावनाओं को देखते हुए व्यापारियों की दुकानों पर किसी प्रकार का संकट खड़ा नहीं हो, इसको देखते हुए अधिकारियों से वार्ता करने के बाद कोई उचित समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा। लालकुआ से मुन्ना अंसारी की रिपोर्ट। मैं पूरे विषय को पहले समझ लूंगा और जो उचित होगा, जो जनता के लाभ के लिए होगा, वैसा ही कार्य किया जाएगा। किसी को परेशानी ना हो, पहला तो हमारा लक्ष्य ही है। जनता की सुविधा के लिए हम काम करते हैं। अगर जनता को ही, लोगों को ही असुविधा महसूस हो रही है तो उस पर पुनर्विचार करेंगे। मैं विभाग के संज्ञान में सारी बातें लाऊंगा।